जर्नी सुमित गिरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप इस ब्लॉग में देख रहे हो वार्षिक उत्सव एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम, जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 15 जेड में आयोजित किया गया और उसमें पीओ क्षेत्र 10 जेड के समस्त विद्यालय और ग्रामीण वहां पर उपस्थित रहे। और उस प्रोग्राम में विधायक महोदय जगदीश जांगड़ जी के द्वारा 4 दीवारी का शिलान्यास किया गया। और इसी प्रोग्राम के अंदर सुमित गिरी मुझे वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदोन्नत होने के बाद CBO बीकानेर में कार्यक्रम के उपरांत विदाई समारोह का एक आयोजन किया गया, जिसमें मुझे इस विद्यालय से विदाई दी गई उच्च पद के प्रमोशन के लिए। तो इस पूरे विद्यालय स्टाफ, पीओ क्षेत्र के समस्त कर्मचारी, ग्रामीणवासी और छात्र छात्राओं का तहे दिल से आभार, जो मुझे इस समारोह में विदाई समारोह के रूप में सम्मानित किया और बहुत ही अच्छा पल रहे। उन पलों को आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें। और आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और वहां पर पीओ क्षेत्र के समस्त संस्था प्रधानों को भी सम्मानित किया गया, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें। एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में एक बहादुरी भरा निर्णय लेते हुए अपने ससुराल के शहर में स्थानांतरित होकर के पद स्थापन करवाया है। ससुराल में रहना निश्चित ही बहादुरी का काम होता है। तो पूरा विद्यालय परिवार कृपया मंच पर आए और सुमित गिरी जिनका निश्चित ही इस विद्यालय के पूरे स्टाफ से, बच्चों से, मोरार पूरे समर्पण से उन्होंने अपनी सेवाएं दी है और बीकानेर में CBO कार्यालय में वर्तमान में पदस्थापित हुए हैं। आगे भी जब भी विद्यालय को इनकी आवश्यकता पड़ेगी या संभाग स्तर का कार्यालय है तो अपना सहयोग देंगे। पूरा साला परिवार कृपया मंच पर आए और इनकी सेवाओं का सम्मान करें। प्रधानाचार्य महोदय करता हूँ इसी बीच में उद्बोधन बताना चाहता हूं कि मेरे थोड़े से कार्यकाल में स्टाफ ने बहुत सहयोग किया है, विशेषकर इस एनुअल फंक्शन में सभी स्टाफ ने बहुत अच्छा सहयोग किया है, लेकिन विशेष रूप से महिला जो अध्यापिका है उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी कराई। बच्चे एक बार जोरदार इनके लिए ताली और अभिनंदन करें। और सभी स्टाफ ने कार्य किया, लेकिन सुमित जी और कुलदीप जी ने इस एनुअल फंक्शन के लिए अपनी दिन रात लगा दी। जोरदार एक बार इनके लिए भी अभिनंदन और तालियों द्वारा और पूरे स्टाफ का धन्यवाद, पूरे पीओ क्षेत्र का धन्यवाद कि इन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेरा तन मन धन से सहयोग किया। और मैं गांव वालों से भी उम्मीद करता हूं, क्योंकि देखो आप तो ताम झाम देख रहे हो, हमें सरकार की तरफ से मात्र 5,000 रुपये एनुअल फंक्शन के लिए मिलते हैं, जबकि 10,000 रुपये हमारे टेंट और डीजे के इनके भी पूर्ण हो जाते हैं, तो काफ़ी कुछ खर्चा लगता है, लगभग 30-35 हज़ार रुपये का हमारा इसमें खर्चा है। तो आप लोग चाहे जो भी सहयोग कर सकते हैं। इसी बीच में इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे विद्यालय में इन्वर्टर की कमी है, आप लोग चाहो कोई दानदाता भामाशाह तो आप इन्वर्टर दे सकते हैं, जो भी आप सहयोग देना चाहो मंच आपके लिए खुला है। हेलो हेलो, अभी MLA साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि डिजिटल लाइब्रेरी कॉम्पिटिशन की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको शहर की बजाय डिजिटल लाइब्रेरी उपलब्ध करवाए ताकि वो स्कूल समय के अंदर यहाँ अध्ययन कर सके उनको शांत वातावरण में। और इस विद्यालय के अंदर CCTV कैमरों की भी बहुत महती आवश्यकता है, तो आप जो भी सहयोग देना चाहिए आपका एक एक पैसा इन बच्चों को भविष्य निर्धारित करेगा। जो भी भामाशाह
दानदाता विद्यालय को सहयोग करना चाहे। हम चाहते हैं प्रत्येक क्लासरूम के अंदर सीसीटीवी कैमरा हो ताकि हमारी आँख कान दिमाग ऑफिस में बैठे इनकी हर हरकत का शरारत का या मॉनिटरिंग की जांच की जाए। तो आप लोग जो भी सहयोग देना चाहे मंच खुला है। उम्मीद करता हूँ कि आपके सहयोग से विद्यालय उत्तरोत्तर तरक्की करेगा। वीडियो बना दे सर। चॉकलेट दी है ना की कोई है अपन रावण अंदर अपन ले रिकॉर्डिंग चालू है। कोई नहीं रीरा माध्यमिक निदेशालय पूरे राजस्थान की शोभा बढ़ाए ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। सुमित जी को आश्वस्त करते हैं कि भविष्य में जो आपकी मंजिल है वहां तक पहुंचाने में हम लोग सहयोग करेंगे और आप हमारे विद्यालय परिवार के साथ इसी तरह स्नेह और प्रेम बनाए रखें। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं मंच पर आमंत्रण करता हूँ मोहन सिंह जी कुकड़ा। अभी का प्रमोशन वाइस प्रिंसिपल के रूप में हुआ है तो इनकी भी विदाई यहाँ से जल्द होगी। मैं उम्मीद करते हैं कि वाइस प्रिंसिपल के रूप में इस विद्यालय में आ जाए। आर सुनीता रानी जो अपने लेक्चर है उनकी भी वाइस प्रिंसिपल के रूप में उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी आप प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हो और एक अच्छे विद्यालय का संचालन करें। एक वार्षिक उत्सव एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 15Z में आयोजित किया गया जिसमें PO 10Z परिक्षेत्र के समस्त विद्यालय और ग्रामवासी वहां पर उपस्थित रहे और MLA महोदय ने वहां पर चार दीवारी का शिलान्यास किया। उसके बाद में मेरा पदोन्नति हो गई थी वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तो इस विद्यालय से मुझे विदाई दी गई और विदाई समारोह का आयोजन किया गया। बहुत ही प्रफुल्लित और हर्षोल्लास का माहौल था। मुझे खुशी और गम दोनों भी हो रहे थे। साथियों का बिछड़ना और नए माहौल में अपनी पदोन्नति को लेकर के उत्साह भी बना हुआ था। तो ये ज़िंदगी का सफ़र है और ऐसे ही हम इस कारवां में मिलते और बिछड़ते और नए दोस्त
और सिस्टम को अपनाते रहेंगे। उसी दुआओं और शुभकामनाओं के साथ मैंने यहाँ से विदा ली और मेरे समस्त मेरे साथी कर्मचारियों, छात्र छात्राओं और ग्रामवासियों का तहे दिल से आभार, जिन्होंने मेरे 2016 से 2023 तक के इस कार्यकाल को बहुत ही उत्साहवर्धक और प्रफुल्लित कार्यकाल मेरा रहा, उसके लिए सभी की शुभकामनाएं दुआओं के साथ मैं आशा करता हूँ।